हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आपके सामने यहां पर बड़ौदा यूपी बैंक का एटीएम कार्ड है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और ये कितने दिन में आ जाता है, तो यहां पर हम बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं बड़ौदा यूपी बैंक से रिलेटेड, तो पूरा हम इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं यहां पर कौन कौन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं नंबर 1 पर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड कैसे अप्लाई करें, डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड कहते हैं। और यहां पर सेकंड पर देख सकते हैं एटीएम कार्ड कब तक आ जाएगा, यानी कब अप्लाई करेंगे, कितने दिन बाद आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बिना एटीएम कार्ड के ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करें। फिफ्थ पे है एटीएम पिन कैसे जनरेट करें, नेक्स्ट है बिना ब्रांच जाए डेबिट कार्ड कैसे मंगवाएं। सेवन्थ पे क्वेश्चन है एम पिन क्या होता है और एम पिन कैसे जाता है, इसको क्यों मंगवाना चाहिए। नेक्स्ट है कितने बार एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग के लिए कई बार अप्लाई कर चुके हैं फिर भी एम पिन नहीं आया, क्या करें। और यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर एटीएम के लिए ब्रांच जाना होगा या फिर पोस्टमैन लेकर आएगा। सारे हम क्वेश्चन जो कि आपके मन में होते हैं इसको हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा बड़ौदा यूपी बैंक में एटीएम कार्ड बहुत समस्या रहती है, बहुत दिन अप्लाई करने के बाद कई महीनों बाद नहीं आता है या फिर 2-3 बार अप्लाई करते नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप एटीएम कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा और आपको तुरंत ही एटीएम कार्ड मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप पर देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का एटीएम कार्ड। तो पूरा हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ौदा यूपी बैंक जो कि बड़ौदा बैंक का ही एक तरीके से बैंक है। और यहाँ पर देख सकते हैं एटीएम कार्ड यहाँ पर आ चुका है डेबिट कार्ड। तो इसको हम कैसे मंगवाएंगे और इसका पिन कैसे जनरेट करेंगे, जो भी हमने आपको क्वेश्चन दिखाएं क्योंकि हमें यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, तो पूरा हम आपको बताएंगे। तो अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं बड़ौदा यूपी बैंक में और आप जब भी आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं अगर आप उसी टाइम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका डेबिट कार्ड लगभग 15 या फिर 1 मंथ के अंदर आपका आ जाता है। अगर आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आप दोबारा इसको कभी भी मंगवाना चाहते हैं, अगर आप अपने अकाउंट ओपन किया उस टाइम पे आपने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर आपको काफ़ी समस्या होती है एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड मंगवाने में। तो पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप मंगवा सकते हैं जैसे कि हमने मंगवाया है। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें ये हमारा अकाउंट बहुत पुराना है, यहाँ पर अगर हम यहाँ आपको दिखाएं हमारा अकाउंट कब का है ये बड़ौदा यूपी बैंक में, तो यहाँ पर हम आपको डेट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं ओपन डेट, यहाँ पर देख पाएंगे 30/10/2013 को ये ओपन हुआ था, यानी कि 30 अक्टूबर 2013 में ये ओपन हुआ था। और डेबिट कार्ड हमारे पास अब आया है, अगर आज की हम डेट की बात करें तो आज की जो डेट है वो 7 दिसंबर 2022 है और इतने दिन बाद हमारे पास डेबिट कार्ड आया। इसके पहले हमारा 2019 में डेबिट कार्ड इशू हुआ था लेकिन ब्रांच नहीं जा पाए, ब्रांच में आया था फिर ब्रांच से वापस हो गया। तो आपको ब्रांच कब जाना है ताकि आपका डेबिट कार्ड, पता होगा यूपी ग्रामीण बैंक में थोड़े सर्विसेज कम मिलता है, लेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर जो जीरो सेविंग अकाउंट है ये आपका कभी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं कटता है। तो बहुत ही अच्छा बैंक है लेकिन यहाँ पर सुविधा के मामले में जैसे डेबिट कार्ड हो गया तो ये 6 अप्लाई करने के 6 मंथ बाद आता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जब मुझे ज़रूरत थी यूपी ग्रामीण बैंक की तो मैंने अप्लाई किया डेबिट कार्ड के लिए, जब नहीं आया तो इसके बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पर 2 बैंक के यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक एस बी आई का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर डेबिट कार्ड। और यहाँ पर देख सकते हैं एस बी आई के अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एस बी आई के डेबिट कार्ड है। तो एस बी आई के अलावा भी मैं यहाँ पर बहुत सारे HDFC बैंक यूज करता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा प्राइवेट बैंक में नंबर 1 पे है, जो पूरे इंडिया में टॉप 1 पे है वो HDFC बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक है, तो वहाँ भी अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी यूपी ग्रामीण बैंक में जिनका अकाउंट है जो भी कस्टमर है वो डेबिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है फर्स्ट क्वेश्चन डेबिट कार्ड या ATM कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो आपको अगर यूपी ग्रामीण बैंक में आपका अकाउंट है, वैसे आपका किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है या फिर आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको ब्रांच जाना होगा, वहां से आपको फॉर्म लेकर उसको फिलअप कर जमा करना होगा। लेकिन यहां पर हम आपको बताएं बड़ौदा यूपी बैंक में, तो बड़ौदा यूपी बैंक में आपको ATM कार्ड आपको ब्रांच से फॉर्म लेकर जमा करना होता है, फिर आपको 6 मंथ तक वेट करना होता है, 6 मंथ के बाद ही आपका डेबिट कार्ड वहाँ से इशू होता है। तो 6 मंथ बाद ही वहाँ से इशू होता है। अगर यहाँ पर मैं आपको डेट दिखाऊँ तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं कि यह कब से यहाँ पर वहाँ से भेजा गया था। यहाँ पर जैसे अप्लाई किए गए थे BUPP
बड़ौदा यूपी बैंक डेबिट, यहाँ पर देख सकते हैं मई 2022 में मैंने अप्लाई किया था डेबिट कार्ड के लिए और ये दिसंबर में आया मेरे पास। तो आपको यह पता चल चुका होगा कि आपको 6 मंथ तक वेट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं एटीएम कार्ड कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने सेकेंड भी क्वेश्चन आपको बता दिया, 6 मंथ बाद आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आ जाता है। और डेबिट कार्ड आपको अप्लाई करने के लिए ब्रांच से आप फॉर्म लेकर उसको फिलअप करके वहाँ पर आपको जमा करना होता है। नेक्स्ट है, बिना एटीएम कार्ड के ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बिना डेबिट कार्ड के आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग भी आपको ब्रांच जाना होगा, ब्रांच से आप फॉर्म लेकर उसको फिलअप करके भर देंगे, फिर आपके मोबाइल फ़ोन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर एम पिन आता है। फिर एम पिन आने के बाद आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे BUPGB, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं पासबुक में दिखाऊँ आपको, पासबुक में भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं BUPBM कनेक्ट मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, जो कि आप बिना डेबिट कार्ड बिना एटीएम कार्ड के यहाँ पर कैश फ्री जिंदगी बिंदास जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर ऐप्स देख सकते हैं BUPBM कनेक्ट मोबाइल बैंकिंग, तो इस ऐप्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पासबुक में भी सारा कुछ यहाँ पर शो दिखाया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करें? तो मोबाइल बैंकिंग आपको चालू करने के लिए बैंक से आपको फॉर्म लेकर ब्रांच से आपको वहाँ पर जमा करना होता है। नेक्स्ट है, एटीएम पिन कैसे जनरेट करें? तो एटीएम पिन आने के बाद आपको, अगर आपका बड़ौदा यूपी बैंक है या फिर बड़ौदा बैंक है, तो आपको बड़ौदा बैंक के एटीएम कार्ड में जाना होगा, एटीएम में वहीं से आप अपना पिन जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है, बिना ब्रांच जाए डेबिट कार्ड कैसे मंगवाएं? तो बिना ब्रांच जाए आपको ब्रांच जाना होगा, वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, फिर आपको डेबिट कार्ड 6 मंथ्स बाद आ जाएगा बड़ौदा यूपी बैंक में। अगर आपका कोई और बैंक है तो बहुत ही कम टाइम में, लगभग 15 या फिर 1 मंथ के अंदर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, एम पिन क्या है और एम पिन कैसे आता है, इसको क्या मंगवाना चाहिए? तो जैसे आप मोबाइल बैंकिंग चालू करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एम पिन मिलता है, जो कि आपके मैसेज थ्रू आता है। तो आप एम पिन को फिर अपना चेंज भी कर सकते हैं। एम पिन एक तरह का, जैसे आप डेबिट कार्ड में पिन यूज करते हैं उसी तरह का ये पिन होता है। तो मोबाइल बैंकिंग चलाने के लिए आपको ब्रांच की तरफ से एम पिन आपको आता है बैंक की तरफ से, फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कितने बार एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कई बार एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत बार यहाँ पर अप्लाई किया था ब्रांच में जाकर, यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं आ रहा था। 2013 में अकाउंट खुला था और 2019 से मैं लगातार यहाँ पर अप्लाई कर रहा था। 2019 में अप्लाई किया, 2019 में आया भी, फिर इसके बाद दो साल बाद फिर से अप्लाई किया 2 बार। तो यहाँ पर 6 मंथ बाद आपको मिल जाएगा, आपको 6 मंथ बाद आपको ब्रांच में पता करना होगा आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं डेबिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग के लिए कई बार अप्लाई कर चुके हैं फिर भी एमपिन नहीं आया, क्या करें? अगर आप मोबाइल बैंकिंग के लिए कई बार अप्लाई कर चुके हैं तो आपको सिंपली अपने ब्रांच में जाना होगा और आपको अपने अकाउंट में जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है या फिर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप चेंज कर देंगे, फिर आपका एमपिन आ जाएगा आपके न्यू मोबाइल नंबर पर, न्यू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, एटीएम के लिए ब्रांच जाना होगा या फिर पोस्टमैन लेकर आएगा? तो आप जो भी एड्रेस देंगे आपके एड्रेस पर पोस्टमैन लेकर आएगा। अगर 6 मंथ तक आपका नहीं आता है, आपके पोस्टमैन आपके घर नहीं आते हैं, तो आपको ब्रांच जाना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास मैसेज भी आया था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ मैसेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ौदा यूपी बैंक का मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट सर्च कर लेते हैं कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर BUPGBX यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से मैसेज आया था डेबिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, आपके खाता संख्या यहाँ पर देख सकते हैं का डेबिट कार्ड भारतीय डाक संख्या द्वारा दिनांक 29/11/2022 को आपकी शाखा पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे शाखा पर आ गया, मेरे ब्रांच पर आ गया, तो मैं ब्रांच पर जाकर अपना डेबिट कार्ड ले लिया विदिन 1 या 2 डेज के अंदर। तो यहाँ हमने सारा प्रोसेस आपको बता दिया कैसे आप डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे, और सारे क्वेश्चन भी आपके मन में जो भी होंगे हमने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है या फिर किसी भी अकाउंट में आपका बैंक खाता खुला है किसी भी बैंक आप कस्टमर है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।